प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए राष्ट्र के निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री के इस विजन में 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य भी निर्धारित है, जिसे संकल्पित करने का काम कर रहा है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री के नए भारत के विजन में संकल्प से सिद्धि के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ और मजबूत करने के मसले पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से। केंद्र सरकार 2022 तक देश के किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए कृत संकल्पित है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में बतौर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह जी उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। आइए बात करते हैं गजेंद्र सिंह जी से, प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया विजन के जरिए 2022 तक किसानों को किस तरह से सुदृढ़ और मजबूत करेंगे। सर, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने दी है, कृषि के मामलों में आप रुचि भी लेते हैं, किस तरह 2022 का जो सपना उसको पूरा करेंगे? ठीक है, मूल विषय माननीय प्रधानमंत्री जी जो किसानों की आमदनी दुगना करने की बात की है, सरकार ने पिछले 3 साल में इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे निर्णय किए हैं, बहुत सारी नई योजनाएं लागू की हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के और फसल बीमा तक, ये पूरा एक क्रम है और इस क्रम को के माध्यम से ही हम देश में किसान की आमदनी को दुगुना कर सकते हैं। इन विभिन्न योजनाओं के बारे में इनके इम्प्लीमेंटेशन किस स्तर पर किस राज्य में कहाँ खड़ा है इसके बारे में अभी मुझे विस्तार से मंत्रालय में आने के बाद में लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी। 5-7 दिनों में सारी वस्तुस्थिति को, धरातल की स्थिति को समझ करके फिर इस इम्प्लीमेंटेशन को कैसे ज़्यादा तरीके से किया जा सकता है, किस तरह से लागू किया जा सकता है, कहाँ रुकावटें हर्डल्स हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे। खेतियों की ज़मीनें कम होती जा रही है, युवाओं का कृषि के प्रति रुझान कम हो रहा है, ऐसे में एक बड़ा चैलेंज है, आप युवा हैं तो आप अच्छे से समझते हैं, किस तरह इस चीज़ को निपटा जाए? देखिए, इस विषय में हालांकि अभी बात करना बहुत जल्दी होगा, लेकिन ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम किसान के खेत जो आमदनी को दुगना करें, उसकी लागत को घटाएं, उसको फसल का उचित मूल्य मिले और उसको उचित मार्गदर्शन मिले, कि क्योंकि जो नॉलेज की कीमत है वो कीमत हमारे यहाँ जो है उसको किसी ने समझा नहीं। हमने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी है, हम जो नॉलेज इनटेक देते हैं उसकी कीमत को भी जो किसान को मिले, इस दृष्टिकोण से जब काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ जो है आमदनी जब बढ़ेगी तो रुझान जो ये घट रहा है ये चिंता का विषय और इस पर रोकथाम भी लगेगी। सर, विपरीत मौसमी परिस्थितियों का चैलेंज बड़ा है, कम लागत में उत्पादन अधिक लेना एक चुनौती है और उसको आपको पूरा भी करना है, किस तरह देखेंगे इस चैलेंज? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फसल बीमा योजना लागू की है, मुझे लगता है कि ये इस देश के किसान का भविष्य बदलने वाली और इस देश के किसान के भविष्य को सुरक्षित करने वाली योजना, ये एक अम्ब्रेला पॉलिसी है जिसके माध्यम से हम किसान को इन सारे चैलेंजेस से मुक्ति दिला सकते हैं। संकल्प से सिद्धि, किसानों को किस तरह अपन संकल्पबद्ध करके एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके कर सकते हैं? देखिए, देश में जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश ने संकल्प किया और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले जितने भी लोग थे, जिस किसी भी विचारधारा से जुड़े थे, चाहे अहिंसा के माध्यम से देश को आज़ाद कराने वाले लोग थे या क्रांति के माध्यम से या वैचारिक क्रांति के माध्यम से या सैनिक अभियान के माध्यम से, जो कोई भी, जब सब लोगों ने एक साथ देश का आह्वान किया और उस आह्वान के आधार पर देश भर में जो एक ज्योति जागृत हुई, हृदय में जो भावना जागृत हुई, उसके कारण से देश आज़ाद हुआ। ठीक वैसी परिस्थिति देश अभी बदलाव के दौर से गुजर रहा है और इस बदलती हुई परिस्थितियों में यदि देश के प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले, और क्योंकि इस जिम्मेदारी के की जब मैं बात करता हूँ, देश का 60% लोग आज भी कृषि क्षेत्र से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े हैं, तो इन 60-65% लोगों को भी संकल्प लेकर के साथ काम करना पड़ेगा। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको जो जिम्मेदारी दी है उसे वो न केवल पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे बल्कि देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के लिए जो योजनाएं उनको जमीनी स्तर पर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए इसका भी पूरा पूरा प्रयास करेंगे। कैमरामैन विनय के साथ ओपी यादव, DD News, दिल्ली।